हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। तो आज आप देख रहे हैं वाटर कैबेज, जो कि पानी में चलने वाला पौधा है और बिल्कुल सिंपल प्रोपगेशन है फ्रेंड्स इसका। और देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पॉट में हमने एक प्लांट लगा दिया हो, बिल्कुल ऐसे गद्दे जैसा लग रहा है। मुझे हाथ लगाने पे भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा नरम गद्दा हो। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और देखो कितने घने आ गए इसके सभी पत्ते, एक एक कैबेज के जैसा दिखता है, इसीलिए इसे वाटर कैबेज कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने नर्सरी से परचेस किया था बिल्कुल 30 रुपीज़ को, एक ही जो होता है एक फ्लावर इसका, तो उसे हमने प्रोपोगेट किया एक पॉट में। तो देखो कितने मल्टीपल हो गए हैं इससे, बहुत सुंदर लगता है। और इतना इतना ही दिया था हमने, हमको नर्सरी वाले ने। और उसके साइड के जो होते हैं ना, मल्टीपल होते हैं, वो भी निकाल दिए थे 30 रुपीज़ को, उतना ही दिया था। तो वो ही हमने घर को आके लगाए, तो देखो कितना पॉट भर गया है। लगभग 2-2.5 महीने हो गए इसको लगा के, तो बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ है। पानी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पॉट भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसका, कौन से पॉट में लगाया है। हाँ, पॉट का शेप जो है ये आपको दिख रहा है कि सर्कल है, तो ये भी ये पॉट में लगाया है, साइड के पॉट में भी वही लगाया है। बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है फ्रेंड्स। अगर हमने आज लगाया तो 8 दिनों के बाद आप देखेंगे तो आपको पहचान में भी नहीं आएगा कि हमने एक छोटा पौधा लगाया था। इतने मल्टीपल होते हैं, 2 दिनों में कुछ और 2 दिनों में कुछ और, ऐसे मल्टीपल हो जाते हैं। एक फ्लावर को 2 से 4 आ जाते हैं एक ही बार, और ग्रोइंग भी इतनी फास्ट होती है इसकी, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप ही इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। बस इस पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, कोई भी पॉट ले लो प्लास्टिक का, तो थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। लेंथ कोई भी हो उसकी, या ब्रेथ कोई भी हो, या डेप्थ कोई भी हो, कोई सा भी पॉट आप ले सकते हैं, कोई भी शेप का ले सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालनी है नीचे और पानी डालना है उसके ऊपर, ये सिर्फ रख देना है। जो भी ये जो है एक क्वार्टर कैबेज, तो एक फूल बस रख देना है। आप यकीन नहीं मानोगे 8 से 10 दिनों में कितना डेवलप होगा और जल्दी से डिवाइड भी हो जाता है, और इतना सुंदर दिख रहा है ये आपके गार्डन में। बहुत ही मतलब शोभा बढ़ाएगा आपके गार्डन की। और हाँ फ्रेंड्स, इसका एक ही केयर है कि पानी तो हम डालते ही है, क्योंकि पानी का पौधा है। सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डालनी है नीचे, थोड़ी सी 1 इंच की बस, ज़्यादा भी नहीं। और वाटर तो हम डालते ही है कम होने पे। और एक ज़रूर ध्यान में रखना है कि इसे हमने फुल सन में रखना है, डायरेक्ट सन में, कि उसे धूप अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, तभी ये इसी अच्छी तरह से खिलते हैं। देखो ऐसा इतना ही पौधा लगाया था इस छोटे पॉट में, तो कितना हो गया, ये छोटा सा पौधा इतना बड़ा हो गया, इतना ही बस लगाया थे हमने। तो देखो कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, और ग्रीनिश भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, ये अगर आपने छाव वाली जगह पर रख दिया तो ये येलो हो जाने लगता है और मर जाता है बाद में, सड़ जाने लगते हैं इसके पत्ते, तो बाद में मर जाता है। ये देखो वाटर लिली का एक पौधा है, एक कलर है हमारे पास, बहुत ही सुंदर है। इसके बहुत फूल आके गए, लेकिन एक ही कलर था हमारे पास, इसलिए मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया। और बस सन चाहिए इसे डायरेक्ट, केयर तो बस इतनी ही है इसकी। इसमें हमने कुछ फिश वगैरह कुछ भी डाले नहीं है, सिर्फ पानी है और थोड़ी सी मिट्टी है, और दिखते तो बहुत सुंदर है।
और हाँ, अगर कुछ पत्तियाँ पीली भी हो गई तो आप उसे निकाल सकते हैं, फिर से पानी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज को ये वीडियो आपको कैसा लगा? और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको साउंड के साथ मिल जाए। और इसका प्रोपोगेशन के बारे में अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगी। तो बहुत सुंदर पौधा है फ्रेंड्स, आप भी लगाइए अपने गार्डन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।